अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ माइन क्लास, आज हम अपने ग्रामर के थर्ड लेक्चर में फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को डिस्कस किया है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाते हैं तो हमारे पास क्या है इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें इसकी भी फॉर्मेशन वैसे ही होगी, शी विल राइट अ बुक, विल हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, शी विल राइट अ बुक, वो किताब लिखेगी। इसकी पहचान क्या है, गा गी गे, मतलब कुछ भी काम होगा इन फ्यूचर। ठीक है, इसी तरह शी विल नॉट, वो नहीं लिखेगी, शी विल नॉट राइट अ बुक, क्या वो लिखेगी, विल शी राइट अ बुक। ठीक है, पहचान इसमें आप हमारे पास होते हैं कोई काम होए, कोई करेगा, ठीक है ना, वो किताब लिखेगी। ठीक हो गया, इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आते हैं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास विल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस की एक ही आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें वर्ब की हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। देन ऑब्जेक्ट है, शी विल बी राइटिंग अ बुक, देन है शी विल नॉट बी राइटिंग अ बुक एंड विल शी बी राइटिंग अ बुक, शी विल बी राइटिंग अ बुक, वो किताब लिख रही होगी, रहा होगा रही होगी, इसकी पहचान है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, रहा होगा रही होगी। ठीक है, She will be writing a book, she will not be writing a book, will she be writing a book। Then आते हैं future perfect में, इसमें भी हमारे पास subject है, इसमें हमारे पास helping verb होता है will है, okay, plus third form verb plus subject। जैसे she will have written a book, she will not have written a book, will she have written a book, ये हमारे पास questioning आ रही है। ठीक है ना, क्या वो किताब लिख रही चुकी होगी, अब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में आ रहा, चुका होगा, चुकी होगी, क्या वो किताब लिख चुकी होगी, विल शी हैव रिटन अ बुक, वो किताब नहीं लिख चुकी होगी, शी विल नॉट हैव रिटन अ बुक, वो किताब लिख चुकी होगी, शी विल हैव रिटन अ बुक। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यू रहा होगा, वो किताब लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ बुक। ठीक हो गया, वो किताब नहीं लिख रही होगी, शी विल नॉट बी राइटिंग अ बुक, क्या वो किताब लिख रही होगी, Will she be writing a book? रहा होगा, रही होगी, रहा continuous future गागी। ठीक है, perfect चुका, future चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है, सब में हमारे पास helping verb will आ रहा है, ठीक है ना, indefinite में first form आ रही है, continuous में first plus ing आ रही है, perfect में third form आ रही है, subject plus helping verb plus object। ये था हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट। अब हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों कर लिए हैं। अब इन तीनों की एक दफ़ा इकट्ठी फॉर्मेशन में आपको फॉर्मुलेशन के लिहाज से बता देती हूँ और ये आपके ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।